अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप VN एडिटर ऐप किस तरह से आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बताता चलूं कि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप मैक के ऊपर आप VN एडिटर ऐप इंस्टॉल करोगे। इसके साथ साथ ये ऐप एंड्रॉयड के अंदर भी अवेलेबल है। प्ले स्टोर के अंदर जाएं, सिंपल VN लिखें और आपको ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल इंस्टॉल कर लें। उसके साथ साथ अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर के अंदर जाएं और VN लिखें और आप उसको इंस्टॉल कर लें। विंडोज़ के अंदर भी आप सेम इसी तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इन सब स्क्रीन के ऊपर या सब डिवाइसेस के ऊपर किस तरह से आप ये एडिटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास कोई भी डिवाइस है आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये एडिटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। जी तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट है vlognow.me, राइट। इस वेबसाइट के ऊपर आपने आना है। अगर आप लैपटॉप या के ऊपर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तब आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है ये सॉफ्टवेयर। चाहे आप मैक के ऊपर आना चाहें, विंडोज़ के लिए आना चाहें, अगर ऐप स्टोर और प्ले स्टोर का भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अंदर जो है वहाँ पे VN लिखें, आपको सॉफ्टवेयर नज़र आ जाएगा। कुछ इस तरह से इसका लोगो है, इसको आप सिंपल इंस्टॉल करोगे। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये इंस्टॉल्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है। कुछ इस तरह से इसका बेसिक सा इंटरफेस है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बना चुका हूँ। यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपने साइन अप कर लेना। अगर साइन अप ना भी करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। राइट नाउ मैंने कोई भी प्रोजेक्ट इसके ऊपर क्रिएट नहीं किया हुआ, तो ये बिल्कुल एम्प्टी शो करवा रहा है मुझे। क्रिएशन किट्स हैं मेरे पास, कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई हैं प्रीवियस की। कुछ फेवरेट्स अगर मैं करना चाहूँ डिफ़ॉल्ट, ये मेरे पास स्क्रीन नज़र आते हैं, और स्टॉक जो मैंने इंपोर्ट किए हैं इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं, म्यूज़िक है, साउंड इफेक्ट्स हैं, फॉन्ट्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, इनको भी आप देख सकते हो, लेकिन हम राइट नाउ इसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ पे कुछ प्रेफरेंसेस हैं, मतलब कुछ प्री डिफाइन अगर आप सेटिंग्स करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है और मैं इनको अभी बिल्कुल टच नहीं कर रहा, राइट। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। सिंपल इस पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो ये था बेसिक सा इंस्टॉलेशन और बेसिक सा ओवरव्यू इस सॉफ्टवेयर का। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पूरे इंटरफेस का मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, और डोंट वरी मैं आप लोगों को एक एक ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है उसके बारे में बताऊंगा और उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप तक टाइमली मैनर में पहुँच सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।